Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss how can find a latest syllabus of any board. हम किसी भी बोर्ड का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, क्या क्या उसमें टॉपिक्स आ रहे हैं, कैसे पता करें, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओपन एनी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे. यहाँ पर मैंने क्या करा है, गूगल क्रोम को ओपन किया है. एंड ओपन या गूगल एंड राइट द CBSE गाइड. ओके, CBSE गाइड आप राइट करेंगे, उसके बाद ये लिंक आएगा जो कि आपको माई CBSE गाइड करके दिख रहा होगा. ओके, तो इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो. बाकी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से ओपन होकर न्यू विंडो ओपन होकर आएगी. ठीक है, इस पर आप क्या करेंगे, जैसे कि जिस बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हैं, जिस बोर्ड के आपको सिलेबस फाइंड करने हैं किसी भी क्लासेस के, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE एंड ISC बोर्ड है, UP बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है. ठीक है, जैसे कि मुझे CBSE बोर्ड पे क्लिक करना है तो मैं व्यू कोर्सेज पे क्लिक करूँगा. जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे CBSE बोर्ड के, जो भी ये कोर्सेज आपको क्लास वाइज कराती है, क्लास 12, 11, 10, 9, 8, 7, ये क्लास आपके प्रेप से स्टार्ट है इसका ऑल सिलेबस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, जैसे आपकी ज़रूरत है उस सिलेबस को आप अकॉर्डिंग टू क्लास ओपन कर सकते हो. जैसे मैंने क्लास 10th का सिलेबस ओपन करना है तो क्लास 10th पे मैंने क्लिक किया. कुछ पॉपअप होते हैं और कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसे हम एडवर्टाइजमेंट को अगर हमें फाइंड पता करना है कि एडवर्टाइजमेंट है क्या है, तो वहाँ पर AD लिखा होता है स्मॉल में, देखिए ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे हम क्लोज कर देते हैं. और जैसी क्लास 10th पे जैसे हमने क्लिक किया था, तो क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, तो वो सब सब्जेक्ट वाइज ओपन है. आपको जिस सब्जेक्ट का सिलेबस फाइंड करना है या सबका देखना है तो आप 1x1 क्लिक कर सकते हैं. जैसे मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका सिलेबस फाइंड करना है, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, तो उसे मैं यहाँ से देख सकता हूँ. जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन पे क्लिक किया. ठीक है, अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से देखो, एक आप लास्ट ईयर पेपर भी देख सकते हो. कुछ CBSE बोर्ड सैम्पल पेपर आपके लिए क्रिएट करती है, इस पर आप क्लिक करके सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हो और अपने उसे प्रैक्टिस कर सकते हो. मुझे सिलेबस डाउनलोड करना है तो CBSE सिलेबस पर मैंने क्लिक किया. जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे लॉगिन करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, इसको आपको लॉगिन करना होगा. आप अपनी ईमेल आईडी को एक्सेस करें. ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी, जैसे कि लॉगिन विद ईमेल, गूगल, फेसबुक, जैसे आपको करना है आप क्लिक करें, अपनी ईमेल आईडी को राइट करें, जो भी आपकी ईमेल आईडी है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, कोई भी आप अपनी ईमेल आईडी को. उसके बाद पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे. ओके, कोई भी पासवर्ड एंड इसे लॉगिन कर देंगे. ठीक है, मैं पासवर्ड यहाँ एंटर नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो पासवर्ड आपके सामने शो होगा, तो आपको पासवर्ड इसमें एंटर करना है और लॉगिन करना है. उसके बाद आपका सिलेबस के आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा. ओके, तो आई विल स्टॉप हियर. हैव अ नाइस डे. थैंक्स टू ऑल फॉर वॉच इट. ओके, इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें.